1680 ईस्वी में जब मुगल फौज औरंगजेब रे नेतृत्व में मेवाड़ रे ऊपर हमलो करियो तो मेवाड़ रा महाराणा राज सिंह जी रे नेतृत्व में हूँ तोड़ जवाब दे रहा था। और सलूम्बर ठिकाने रा रतन सिंह जो राज सिंह रा प्रमुख सामंत है था वणारो ब्याव बूंदी ठिकाना रा हाडी रानी सलहे कवर रे साथे भी नवा नवा सात दिन ही होया था। सले कवर रे तो हाथारी मेहंदी भी अजे तक मंडियोड़ी ही थी और रतन सिंह शेर ज्यो गर्जना करता तलवार लिए सलेह कवर रे हम ही आई जाओ। अरे सिद्ध चालिए हुकुम केसरिया बाणो पहन तलवार कमर रे बांध युद्ध में जाता उन्हारो क्यों बनायो? युद्ध में ही जा रही हूँ रानी साहब। कल तो आप बोल रहा था कि हमें ही फुर्सत मिली है युद्ध थी टाइम आराम सु कटेगो तो फिर यो एकदम युद्ध। दुश्मन आपरी सीमा में घुसनारी कोशिश में है और पतिरो शौर्य और पराक्रम ने परखारे लिए तो शत्राण्या इंदिरी बाट जोए है। आप नसीब वाला हो रानी साहब जिन्हें वो मौको जल्द मिल गो वह शुभ घड़ी आएगी है कि देश रा शत्रुओं ने राजपुत्री हुंकार और तलवार रे वारती भयभीत करवारो अवसर मिलियो है। इन वास्ते हंसता हंसता विदा दो रानी साहब पचनी ध्यान कदी मिलन हो या ना हो। अहड़ी अशुभ बात मुख में मत लाओ हुकुम आप ठहरो मैं आई। दशा ने समझ जावे कि भले रतन सिंह बतायो नहीं पर वणारे आंख्या में बिछड़वारो दुख दिख रियो तो पर युद्ध में जाता वीर पति पत्नी रे मोह में कमजोर नहीं पड़ जाए इन लिए हाडी रानी आपनी पीड़ा हमें ही नहीं लाई। मैं धन्य वेगी आपरे जड़ा वीर री अर्धांगनी बनने आपरो और मारो हाथ तो जन्म जन्मांतर रो है शत्राण्या तो बेटो ने जन्म ही इन लिए देवे है ताकि धर्म री रक्षा में क्षत्रिय जीवन अर्पण कर देवे तो मैं भी एक क्षत्राणी हूँ मैं क्यों उदास हूँ। राजपुताना री कोद भी वीरों ने जन्म दे है और राजपुतानी रो सुहाग भी युद्ध में ही काम आवे तो ना मैं अत्री कमजोर हूँ ना मारो सुहाग। आप पधारो हुकुम और शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने पधारो मैं जय माड़ा लेने पौड़ पर आपरी बाट जोगला। रानी सा बस आही पीड़ा है कि मने भूल तो नहीं जाओगा अगर मैं नहीं रहूं। अड़ी अशुभ बात मत करो हुकुम मैं एक राजपुतानी हूँ आप नो अंतिम धर्म जानू हूँ युद्ध भूमि क्षत्रिय रिसान है तो सतित्व सत्राणी आप निश्चित रहो और शत्रु माते विजय पता का फहराओ मारी बस यही प्रार्थना है। रतन सिंह युद्ध में तो प्रस्थान कर लियो था पर मन करे ही छोड़ लियो था इन लिए युद्ध रे घड़ी में ही एक सैनिक रे साथे खत महल भेजे। रानी सा दुश्मनारो रंग उतार दियो हूँ अंगद रे जीव पग जमान बैठो हूँ मजाल की नहीं कि मने कोई पार कर जाओ वो सब आप रो ही पण प्रताप है आपरी पूजारो रक्षा कवच है बस रे रे ने आपरी याद आई रही है आपरी कुशलता जानवारी इच्छा वे रही है सैनिक रे हाथे आपरी कोई सेनानी भेज दे तो बने देखने ही मन में थोड़ी शांति मिली। कद पड़ता ही आडी रानी चिंता रे आकाश में विचरण करवा लाग जाए। थैंक यू रानी साहब आप अपनी चिंता में लिखो पत्र में कोई बुरी खबर तो नहीं है? बुरी तो नहीं है पर बुरी बनती टाइम ही कोनी लागे मैं हमजी नहीं होगा। युद्ध भूमि में बैठा मारा राणा जी ने हर टाइम मारो ही ख्याल है हर रोज सैनिक संदेशो लेने आवे है और अब तो निशानी भी मंगवाई है अगर हुकम री नजरो रे हामी मैं ही घूमती रही तो युद्ध की कर करी शत्रुओं ते की कर लड़ी चित्रो वरण की कर करी मारे रूप रो मोह एक क्षत्रिय ने कर्तव्य रे विमुख कर लियो आज शास्त्र धर्म रे रूप रे सामे दम तोड़ रही हो एक वीर राजपूत मो पास में जकड़ गियो है मैं अभागी अर्धांगनी मारे सूरवीर पीवरे कर्म मार्ग में बाधा बन रही लानत है मारे संस्कारों पे थूक है मारे पतिव्रता धर्म में
आज मारी राजपूती हेला मारे है के एक नवो इतिहास रच सत्राणी। अगर तू आज निर्बल पड़गी तो कलंक बन जावेगी। मैं निशानी भेजूंगी पर वह निशानी इन जग में अमर रह जावेली। एडो मौको कदी मिले और आज मने मिलियो है। युद्ध भले क्षत्रिय लड़े है पर तलवार री धार सत्राणी रे शक्ति आवे है। खमा हुकम। आओ राणा जी जो निशानी मंगाई है वा मैं भेज रही हूँ। आप डरोला तो कोनी? राजपुतानी लो जायो हूँ, डर तुम्हारे खून में नहीं। जो भी निशानी आप दे रावला राणा जी तक जरूर पहुँचाऊ। हे मारा पीव, मैं ना जीवता जीव भूली और ना ही मरना रे बाद भूलूंगी। यमराज भी अगर बच में आया तो मैं लड़ लूंगी। आप बेफिक्र होने, आप रे कर्तव्य रो पालन करो। जय भवानी। झटका में रानी आपनो माथो काट दे, ज्वाला रूपी रक्त री धारो बह जावे। मानव तो कोई स्वयं भगवान यो बलिदान देखने आश्चर्य में था। धरारी एक साधारण बेटी राष्ट्र लिए आपने पति रे कर मार करे खातर सर काटने सर्वोच्च बलिदान दे दियो। हर पराक्रम वीरता नतमस्तक थी आज हाडी रानी रे हामी। सैनिक जद रतन सिंह ने हाडी रानी रो संदेश देवे तो रतन सिंह रे हगड़ा मोहरा बंधन टूटने बिखर जाए। क्षत्रिय धर्म छात्र धर्म राष्ट्र धर्म री परिभाषा बन खुद हाडी रानी रो कटियोड़ो मातो हामी थो। नर मुंड ने गला में गाल शिव तांडव रे जो टूट पड़िया रतन सिंह मुगलों रे माते और अंतिम सांस तक लड़िया। युद्ध भले क्षत्रिय जीते पर विजय रो श्रेय तो एक क्षत्राणी ने जावे जो अमर कर गई अपने आप ने। और एक कहावत में चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो क्षत्राणी। जय हाडा।